सर कैसी थी मूवी? अच्छी थी, काफ़ी इंटरटेनिंग थी, मज़ा आया मुझे। बढ़िया सा एक्शन फिल्म थी, अच्छा लगा। महेश बाबू को थोड़े से डिफरेंट प्रकार के रोल में, डिफरेंट अवतार में, फिल्म में काफ़ी टाइम के बाद देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, फिल्म में एक्शन ज़्यादा है या फिल्म में कॉमेडी इमोशंस? जी देखिए, ओवरऑल पैकेज है, ये फिल्म एक ओवरऑल पैकेज है। ऐसा नहीं है कि एक्शन एक्शन बताया गया ट्रेलर में, हो सकता है एक्शन ही फिल्म में पूरी के पूरे एक्शन, ऐसा नहीं है। क्या होता है, पूरा पूरा एक्शन देखो तो आदमी बोर हो जाता है। फिल्म में रोमांटिक कॉमेडी भी है, रोमांटिक कॉमेडी की बात कर रहा हूँ, बेसिक प्रकार कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी भी है फिल्म के अंदर। रोमांस भी अच्छी तरीके से दिखाया और साफ सुथरा तरीके से रोमांस भी दिखाया गया, कोई वल्गैरिटी नहीं दिखाई गई है जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में दिखा दी जाती है। काफ़ी अच्छी दोनों एक्टर और एक्ट्रेसेस की लव केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है, महेश बाबू की भी और कीर्ति सुरेश की भी, वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा जम रही है, उन्हें और भी फिल्में करते रहना चाहिए साथ में, ऐसा मैं चाहूँगा। तो ओवरऑल अच्छी लगी ये फिल्म, अच्छा पैकेज था, इंटरटेनर है जी, बिल्कुल बोर मुझे तो पर्सनली नहीं किया। हालांकि मैंने जो है फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन तो रिलीज़ नहीं हुआ है, मैंने जो देखा है वो तो तेलुगु वर्जन ही देखा है, तो जो है वो मैंने देखा, उसके बावजूद भी भाषा का इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रही, उसके बावजूद भी फिल्म ने कहीं पर भी मुझे बोर नहीं किया। तो ओवरऑल फिल्म ने बांध के रखा काफ़ी अच्छा, महेश बाबू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है कि और डिफरेंट प्रकार का उन्होंने रोल किया, इस वजह से भी मैं इस फिल्म को देखने के लिए गया हूँ। जिनका एक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, ओवरऑल दूसरी जो फिल्में कर रहे थे अभी बीच में, तो वो लगातार वो सेम प्रकार के उनके रोल हो रहे थे, इस वजह से भी वो सेम चला, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट अवतार रहा, इस वजह से भी मैं फिल्म देखने के लिए गया, उस फिल्म को मैंने देखा, तो ये अच्छा रहा, मज़ा आया। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, एक्शन भी उनका अलग प्रकार का है, रोमांटिक उनका जो एंगल था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रोमांस करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा जम रहे हैं, और ये एक फिल्म एक ओवरऑल इंटरटेनर पैकेज है। मुझे लगता है कि अगर जो भी इंटरटेनमेंट चाहते हैं या अभी इस बीच में उनको नहीं मिल रहा इस प्रकार से, तो KGF के बाद मुझे लगता है इस फिल्म को प्रेफर करना चाहिए अब SVP को। अच्छा, इंटरवल के पहले ज़्यादा अच्छी लगी फिल्म आपको या इंटरवल के बाद? जी ओवरऑल मुझे तो दोनों ही जगह अच्छी लगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इंटरवल के पहले या बाद में। देखिए, वो पूरी फिल्म का एक तार है, मैं जैसे कहूँ कि शुरुआत में रोमांटिक कॉमेडी और उस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा बताई गई है, बाद में फिल्म की गति तेज़ होती है, एक्शन सेकंड हाफ में आपको एक्शन वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल एक फिल्म एक पैकेज है, शुरू से लेकर आपको एक राइड पर लेकर चलती है और अंत तक आपको बिल्कुल प्रॉपर इंटरटेन करती है, तो ओवरऑल मज़ेदार है। अच्छा, आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे? 5 में से मैं दूंगा फिल्म को 4, 5 में से 4 स्टार दूंगा। महेश बाबू की परफॉर्मेंस अच्छी है, कीर्ति सुरेश काफ़ी खूबसूरत लग रही है, फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है, डायरेक्शन भी अच्छा है और सिनेमाटोग्राफी भी ठीक है। मुझे लगता है सिनेमाटोग्राफी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस ये सब कुछ अच्छा है, फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक है, तो ओवरऑल फिल्म को 5 में से मैं 4 स्टार दूंगा।